जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों। शिव महापुराण में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, अपनी चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए कई ऐसी बातें बताई गई हैं। यदि उनमें से कुछ उपाय भी ऐसे कर लिए जाएं जिससे व्यक्ति कर्ज से मुक्ति पा लेता है, रोग से मुक्ति पा लेता है और जीवन की सभी समस्याएं, लगभग सभी समस्याएं समाप्त कर सकता है, जीवन को बहुत ही सहज और सरल रूप में जी सकने का अधिकार पा सकता है। दोस्तों, शिव महापुराण एक ऐसा शास्त्र है, भगवान शिव के अवतारों के बारे में, शिव महिमा, शिव भक्ति और शिव के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। इस पुराण में इंसान के कार्य, व्यवहार और सृष्टि से जुड़ी रहस्यमयी बातों के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दी गई है। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजन करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती और महादेव हमेशा अपने भक्तों के लिए उपलब्ध रहते हैं। महादेव केवल त्रिदेवों में एक देवता नहीं है, बल्कि पंच देवों के प्रधान अनादि और निगमागण भी हैं। वहीं शिव महापुराण में भगवान शिव को प्रसन्न करने और समस्याओं से मुक्ति के बारे में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं। उन्हीं में से बहुत ही सरल उपाय भी हैं जो व्यक्ति को कर्ज से, रोग से और सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकते हैं। शिव महापुराण के अनुसार धन संबंधित यदि समस्या है और आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो हर रोज शिवलिंग पर जल में अक्षत यानी चावल साबुत होना चाहिए। चावल कभी भी खंडित भोलेनाथ को नहीं समर्पित होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और सोमवार के दिन शिव जी पर आप एक वस्त्र चढ़ा दें और उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र रखना है। भगवान शिव को ज़्यादा रंग सफ़ेद प्रिय होता है और आप जब भी वस्त्र समर्पित करते हैं तो सफ़ेद रंग का ही समर्पित करें। उसके ऊपर अक्षत रखकर समर्पित करने से, अक्षत आप कितने भी ले सकते हैं, एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, तीन मुट्ठी, ऐसा करके यदि समर्पित करते हैं उसे, अक्षत लाकर आप सबसे पहले तो आप जब अक्षत लेते हैं तो इस पूजन के अक्षत को आप अलग से ही लें और उसके बाद घर लाकर उसे साफ स्वच्छ कर लें। उसमें टूटे हुए अक्षत आप बिल्कुल कोशिश करें कि उसमें टूटे हुए अक्षत ना हों और फिर अक्षत रखकर समर्पित करें। ऐसा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और अच्छे मार्ग से धन आने का रास्ता मिलता है। साथ ही इस उपाय से कर्ज की समस्या से भी मुक्ति मिलती है। यह बहुत ही अचूक उपाय है। आप सोमवार की शाम को कर सकते हैं, एकादशी के दिन कर सकते हैं, प्रदोष के दिन कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। किसी भी दिन आप यह कार्य करते हैं तो आपको इसका उत्तम फल प्राप्त होता है और धन रास्ते के, आपको धन पाने के रास्ते नजर आने लगते हैं, आपको स्रोत मिलने लगते हैं नए नए और अच्छे मार्ग से धन आपके पास आता है। साथ ही हर रोज यदि आप जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो इससे पाप नष्ट होते हैं, आपके पितर प्रसन्न होते हैं और जीवन की सभी अड़चने, यदि आपको कोई कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और आपको यदि सफलता नहीं मिल पा रही है, असफलता ही असफलता दिखती है, तो आप यह कार्य करें। साथ ही यह उपाय अशुभता को दूर करके आपके जीवन में शुभता लाता है, जिससे जीवन में सभी तरह के आनंदों की प्राप्ति होती है और सभी तरह की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल में यदि जो मिलाकर अभिषेक करें तो इससे सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, धन संपत्ति प्राप्त होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव पुराण में ऐसा कथन मिलता है कि गेहूं से बने हुए पकवान से शंकर जी को यदि भोग लगाया जाए तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। साथ ही गेहूं के दान से कुल में वृद्धि होती है। यदि किसी के परिवार में ऐसा लगता है कि वंश वृद्धि रुक गई है तो आप अवश्य गेहूं का दान करें सोमवार के दिन और भगवान शिव को आटे से बना हुआ कोई भी भोग लगाएं। ऐसे में परिवारों के बीच में जो मतभेद यदि बढ़ गया है वह भी दूर होगा और वंश वृद्धि अवश्य होगी। घर में नकारात्मक माहौल यदि बन चुका है तो सकारात्मकता में बदल जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, शुभ फलों की प्राप्ति होती रहे, यदि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और सारी परेशानियों से आप मुक्त रहें,
तो जो मैं उपाय बता रही हूँ इसे आप कर देखें, अवश्य आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो प्रतिदिन, सोमवार के सोमवार कर सकते हैं तो सोमवार के सोमवार, यदि सोमवार के दिन भी नहीं कर सकते हैं तो आप शिवरात्रि या प्रदोष, इस दिन ये कार्य अवश्य करें, रात में 11 से 12 बजे के बीच में, यदि ये भी संभव नहीं है तो 9 से 12 के बीच में आप कर सकते हैं। शिवालय जाएं, शिवलिंग के सामने एक दीपक लगाएं, ऐसा करने से धन संपत्ति ऐश्वर्य बीमारियों से मुक्ति, कितनी भी असाध्य बीमारी है उससे मुक्ति होती है, धन संपत्ति प्राप्त होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। क्योंकि इस उपाय को इसलिए अचूक कहा जाता है, इसके पीछे कथा भी है कि जिसमें एक व्यक्ति ने, जो चोर था, रात के समय शिव मंदिर से अंधकार दूर करने के लिए, क्योंकि वह चोरी करने गया था, उसे अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था और उस दिन शिवरात्रि का दिन था, उसने अंधकार दूर करने के लिए अपनी कमीज उतार कर, अपने ऊपर का जो वस्त्र होता है वह उतार कर जला दिया, जिससे प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को भगवान शिव ने कुबेर का पद दे दिया। आप समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या इच्छा थी, वह किस कारण से गया था और उसे क्या प्राप्त हुआ। कहते हैं जो शिवालय में रात्रि के समय, शिवरात्रि सोमवार या प्रदोष के दिन दीपक लगाता है, दीपक प्रज्वलित करता है, उसे भगवान शिव सारे सुख प्रदान करते हैं। और यदि आपके घर में कोई बड़ी बीमारी से पीड़ित है तो आप, या आप स्वयं, तो आप शिवलिंग पर जल में देसी घी मिलाकर अर्पित करें, इससे किसी भी प्रकार की आपकी शारीरिक कमजोरी हो, कोई भी बीमारी हो, दूर होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं यदि टीवी की बीमारी है, इस टाइप की कोई बीमारी है, तो आप शहद से पूजन करें, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं और आग के फूल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शहद से यदि आप पूजन करते हैं तो बीमारियों से मुक्ति मिलती है और आग के पुष्प चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी भगवान शिव को आप जो भी, यदि कोई भी मनोकामना रखकर कुछ भी चढ़ाते हैं, कुछ भी समर्पित करते हैं, भगवान भोलेनाथ की जो पसंद की चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, जैसे बेलपत्र, शमी पत्र, शहद, दूध, घी, जो भी आप भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान अपना पूरा आशीर्वाद अपने भक्तों पर लुटाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। और सबसे सुंदर उपाय बताया है शिव महापुराण में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। ये ऐसा व्रत है जिसे कर आप अपनी कैसी भी मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। इसके लिए आपको कोई रास्ता नहीं देखना पड़ता, विलंब नहीं होता। 5 सोमवार पशुपतिनाथ का व्रत करना चाहिए। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित है और यह प्रदोष व्रत की तरह ही किया जाता है। इस व्रत में सुबह और प्रदोष काल में शिव जी की पूजन की जाती है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है और संकट से मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। यदि आप चाहते हैं कि इसकी डिटेल्स में दूं, तो मैं दूसरा वीडियो इसी का बना दूंगी, क्योंकि अभी यदि मैं इसके बारे में पूरा बताने बैठूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप अवश्य कमेंट्स में बताएं कि आपको पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी चाहिए, तो मैं अगला वीडियो इसी पर बना दूंगी। आप अवश्य इसमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं, जो भी कार्य कर सकते हैं, कर देखें, देखना आपके जीवन में कितने सुख, शांति और ऐश्वर्य आता है। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।